Hi all, this is Anjali and this video mein hum karenge relationship of arrays with pointers. So humne abhi tak C mein kiya hai ki array kya hota hai, array ke upar aap different operations kaise perform karte ho. And then we have just started with pointers ki pointer kya hota hai, kis tarah se wo dusre variables ka address store karta hai aur kaise wo aapko help karta hai to achieve call by reference in functions. Taki agar mujhe ek se zyada variables ko function ke through modify karwana ho तो मैं एरे की हेल्प से पॉइंटर्स की हेल्प से करवा सकते हैं. ठीक है, सो अभी हम करेंगे कि पॉइंटर्स जो है वो एरेज के साथ कैसे लिंक्ड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एरे लेते हैं. यहाँ पर हमने एक एरे लिया इंटीजर टाइप का एंड लेट्स से देयर आर फाइव एलिमेंट्स इन दिस. फाइव एलिमेंट्स हैं, आप इनिशियलाइज कर सकते हो कुछ इस तरह से अपने एरे को. सो व्हेनेवर वी हैव टू इनिशियलाइज द एरे वी हैव टू गिव ऑल द वैल्यूज इन कर्ली ब्रैकेट्स लाइक दिस. सो पहली वैल्यू ऑटोमेटिकली पोजिशन जीरो पे जाती है, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर. दैट्स हाउ योर एरे इज इनिशियलाइज्ड. इट्स फाइन, ओके, एब्सोल्युटली फाइन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अगर मुझे इसमें से किसी एलिमेंट को भी प्रिंट करवाना है, आई विल राइट प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए वन. अगर मैंने लिखा है प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए वन तो क्या प्रिंट होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए 10, क्योंकि 10 है वन पोजिशन पे. अगर आपने लिखा होता print f percentage d a3, so it should print 18 क्योंकि 3 position पर 18 है. What if I write print f percentage d a, तो क्या print होगा? क्या print होना चाहिए आपके accordingly? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा array print हो जाएगा, like it should print all 13, 10, 25, 18, 12. कुछ सोच सकते हैं कि इट विल जस्ट प्रिंट द फर्स्ट एड्रेस. एंड अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखोगे तो एक नंबर प्रिंट होगा जो आपको नहीं पता, पूरे प्रोग्राम में कहीं मेंशन नहीं है. सो यू माइट थिंक इट्स अ गार्बेज वैल्यू, बट दैट नंबर विच इज प्रिंटेड इज एक्चुअली द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे. सो जब हम एरेज पढ़ते हैं, हम एक स्टेटमेंट करते हैं कि एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमरी लोकेशंस. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एरे, दैट एरे कहाँ स्टोर होता है? कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन में. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये एरे लिया है इंट ए फाइव, ठीक है, तो इंटीजर अगर 2 बाइट्स लेता है तो आपको टोटल मेमोरी में 10 बाइट्स एलोकेट होंगी. फाइन, सो 10 बाइट्स एलोकेट होंगी, कंटिग्यूस लोकेशन में एलोकेट होंगी. कंटिग्यूस का मतलब क्या है कि अगर इसका एड्रेस 204 है तो अगला इंटीजर 206 पे होगा, उससे अगला 208 पे होगा, उससे अगला 210 पे, और उससे अगला 212 पे. सो दैट्स वाई वी से कि एरेज जो है दे आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस. तो जहाँ पे भी शुरू हुआ है उसी के बाद सारे एलिमेंट्स फॉलो करेंगे. ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरा 50 एलिमेंट्स का एरे भी है तो 30 कहीं और स्टोर हो रहे हैं, 20 कहीं स्टोर हो रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. जितना भी बड़ा एरे हो वो एक ही सीक्वेंस में स्टोर होता है. ठीक है, अब जब हमने इसको इनिशियलाइज किया, 0 पे स्टोर हो गया 13, 1 पे स्टोर हो गया 10, 2 पे स्टोर हो गया 25, देन यहाँ 18 और यहाँ पर 12, राइट? जब आप A को प्रिंट करोगे, ये जो पहला एड्रेस है, दिस इटसेल्फ इज स्टोर्ड इन द नेम ऑफ द एरे. तो जब हम A को प्रिंट करेंगे, इफ दीज आर द एड्रेसेस, इट इज गोइंग टू प्रिंट 204. सो दिस शोज कि जो एरे का नाम है वो खुद एक पॉइंटर है विच होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. सो नेम ऑफ द एरे इटसेल्फ इज अ पॉइंटर विच होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. आपका एरे जिस एड्रेस से शुरू होता है वो एड्रेस आपके एरे के नाम में स्टोर होता है. सो एरे का नाम है ए, और अगर मैं ए को प्रिंट करती हूँ इट विल प्रिंट दैट. सो एड्रेसेस आर यूजुअली अनसाइंड इंटीजर्स, तो टेक्निकली तो हमें उसे परसेंटेज यू के साथ प्रिंट करना चाहिए, बट परसेंटेज डी के साथ भी वो प्रिंट कर देगा. इफ़ योर एड्रेस इज अप टू 32,767 यू विल सी अ पॉजिटिव नंबर, बट अगर वो उससे बड़ा है तो वो नेगेटिव नंबर बन के आपको शो होगा क्योंकि परसेंटेज डी से आप शो कर रहे हो. बट एनी हाउ हमें एड्रेस शो करा के क्या करना है, क्योंकि हम तो प्रोग्राम यूज़र के लिए बना रहे हैं. सो यूज़र को तो कुछ नहीं करना है एड्रेस से, यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है. यूज़र इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. सो वाई आर वी डूइंग दिस, वाई आर वी डूइंग कि एरे और पॉइंटर्स में क्या रिलेशन है, पॉइंटर को हम एरे के साथ कैसे लेंगे,
वो हम ले रहे हैं क्योंकि हमें अपनी प्रोग्रामिंग को बेटर करना है. वी हैव टू डू थिंग्स जो कैसे काम करेंगी वो आपको तभी समझ आएगा जब आपको पॉइंटर्स और एरेज के बीच में रिलेशन समझ आएगा. ठीक है, अब जैसे हमने फंक्शंस किए, फंक्शंस में नॉर्मल वेरिएबल्स में हमने ये किया था कि अगर हम वेरिएबल को कॉल बाय वैल्यू से पास करते हैं तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते. आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने हैं तो आपको एड्रेस पास करना पड़ेगा, फिर वहाँ से वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. लेकिन एरेज में बाय डिफ़ॉल्ट ही वैसा हो जाता है. एरेज में जब अभी आप एक एरे को पास करोगे इन अ फंक्शन, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस जाता है क्योंकि हमेशा एरे का बेस एड्रेस ही पास होता है, पूरा एरे कभी पास होता ही नहीं है फंक्शन में. सो दैट आई शो यू विद एन एग्जाम्पल कि हाउ एरेज आर पास टू फंक्शंस, बट दैट विल बी डूइंग लेटर. नाउ कमिंग बैक टू द थिंग, हमने अभी ये देखा कि जो एरे का नाम है वो खुद एक पॉइंटर है विच होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द एरे. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ए लिखूंगी तो 204 प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर स्टार ए लिखा, दैट इज वैल्यू एट एड्रेस ए. सो वैल्यू एट एड्रेस ए में अब 204 प्रिंट नहीं होगा, अब 13 प्रिंट होगा. सो स्टार ए इज गोना गिव यू 13 नाउ. ठीक है, ऐसे ही ये जो ए वन लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ ए प्लस वन. ए प्लस वन से क्या प्रिंट होगा, ए प्लस वन से प्रिंट होगा 206. क्यों, ए क्या है 204, प्लस वन आपने किया. जब पॉइंटर्स में वन ऐड होता है तो वो वन नंबर को ऐड नहीं करता, वो वन मेमोरी लोकेशन को ऐड करता है. दैट कम्स अंडर पॉइंटर अरिथमेटिक. सो व्हेनेवर यू ऐड अ नंबर टू अ पॉइंटर इट गोज दैट मेनी मेमोरी लोकेशंस अहेड. तो 204 में वन जब ऐड किया तो वो 206 देगा आपको. ठीक है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू चाहिए तो आप इस चीज़ को राउंड ब्रैकेट में दो और इसके आगे लगा दो स्टार. सो ये क्या बन गया, स्टार ए प्लस वन, स्टार ए प्लस वन. सो ए प्लस वन इज 206, स्टार मीन्स वैल्यू एट एड्रेस 206 विच इज 10. सो स्टार ए प्लस वन इज सेम एज राइटिंग ए वन. ए वन भी आपको 10 दे रहा था, ये भी आपको 10 दे रहा है. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर स्टार ए प्लस थ्री लिखूंगी so I will still get 18, that is A3. So A plus 3, that is 204 plus 6, 210 आ जाएगा. उस पर पड़ी हुई वैल्यू 18 है, वो प्रिंट हो जाएगी. सो एरे का जो नाम है उसमें आप इंडेक्स ऐड कर सकते हो एंड स्टार लगा के हम उस पर पड़ी हुई वैल्यू को फेच कर सकते हैं. दैट इज वाई इंडेक्स ऑफ एरेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि एरेज और पॉइंटर्स में जो सीधा सीधा रिलेशन है That shows this thing कि जो ए आई है that can be written as star a plus i and address of ए आई can be written as a plus i. तो जहाँ पे भी अभी तक आप एरेज वाले प्रोग्राम में address of ए आई लिखते थे, आप उसकी जगह पर अगर a plus i लिखोगे it will work the same way. जहाँ पर भी आप ए आई लिखते थे वहाँ पर आप star a plus i लिखोगे it will work the same way. आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा. सो हम ऐसे लिखते हैं, सिस्टम भी उसको पहले ऐसे कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस एड्रेस पे काम करता है. दैट्स वाई इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ताकि अगर ए जीरो लिखा है तो ए प्लस जीरो हो जाए, अगर ए वन लिखा है तो ए प्लस वन हो जाए. सो अगर यहाँ पर ऐसा होता कि इंडेक्स वन से शुरू होता तो आपके कंपाइलर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता, उसको उसमें से पहले माइनस वन करना होता फिर बेस एड्रेस पे ऐड करना होता. सो यू नो सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, इट्स बोथ प्रोग्रामर फ्रेंडली एज वेल एज मशीन फ्रेंडली. सो कंपाइलर का काम भी कम है और आपको भी कोई खास डिफिकल्टी नहीं है ये याद रखने में कि पहला एरे एलिमेंट पोजिशन जीरो पे होता है. सो इट्स दैट सिंपल कंसेप्ट. सो दैट इज हाउ योर एरेज एंड पॉइंटर्स आर रिलेटेड. सो ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं एरे के किसी भी प्रोग्राम में. दैट्स द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. एंड इसी रिलेशनशिप से हमें हेल्प मिलती है कि हम एरेज को डायनामिकली भी क्रिएट कर सकें. अभी आप साइज देते हो सी में जहाँ पे आपको साइज बताना पड़ता है, बिना साइज बताए मैं एरे क्रिएट नहीं कर सकती स्टैटिकली सी में. बट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स वील बी डूइंग कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स हम पहले यूजर से पूछेंगे कि कितने एलिमेंट्स चाहिए. यूजर कहता है 12 चाहिए तो मेमोरी एग्जैक्टली 12 एलिमेंट्स के लिए एलोकेट होगी. यूजर कहता है 25 चाहिए तो 25 के लिए एलोकेट होगी, 2 चाहिए तो 2 के लिए एलोकेट होगी. सो
एरे में हम पहले से साइज डिक्लेयर नहीं करेंगे, वट एवर यूजर सेज उसके अकॉर्डिंगली हम डायनामिकली दैट इज प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेंगे और एरे को यूज़ करेंगे ताकि मेमोरी की कोई वेस्टेज ना हो, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होता है, अगर मैंने 50 साइज का एरे ले लिया और मैं स्टोर सिर्फ उसमें 23 एलिमेंट्स कर रही हूँ तो 37 की मेमोरी वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर मैंने एरे ही 20 साइज का लिया है और मैं 23 स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास तीन और की जगह ही नहीं है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मल एरे में, एंड दीज वी आर गोइंग टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सो आपको अभी समझना है बेसिक एरे एंड पॉइंटर का क्या रिलेशन है, देन अपकमिंग वीडियोज़ में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे एंड वील ऑल्सो डू कि हम एरे को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। एक बारी में नहीं समझ आता है तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हो, जस्ट वॉच इट ट्वाइस। स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग राइट इन द कमेंट्स एंड वॉट एवर डाउट यू विल हैव आई विल क्लैरिफाई इन द अपकमिंग वीडियोज। So that's it for this video. Do share the video, do like the video, and do subscribe the channel. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.